हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो था उसमें नाउन को लेकर के डिस्कस किया था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब नाउन के इस सेकंड पार्ट में आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिएगा, मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो वीडियो है एसएससी और बैंक को लेकर के टारगेटेड किए गए हैं। एरर टाइप के क्वेश्चंस जो कैसे कैसे आते हैं, कैसे उनको फाइंड आउट करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ सोल्व करने वाले हैं। पहले हम लोग रूल्स की स्टडी कर रहे हैं और साथ ही में हम लोग एग्जाम्पल करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पहली बार अगर हमारे वीडियोज को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे वीडियोज़ को वॉच करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं गाइस, देखिएगा लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसे आगे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था नाउन ACCCPM का फॉर्मूला पढ़ करके, नाउन के डेफिनेशन पढ़ी थी। अब देखते हैं कि नाउन को जब हम लोग जेंडर में डिवाइड करते हैं, किसमें? जेंडर में, क्योंकि उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर से प्लूरल में कैसे फॉर्मेट किया जाए। जेंडर की बात करते हैं तो गाइज, नाउन जेंडर के रूप में हम लोग इसे लेते हैं, और नाउन जेंडर के रूप में हम लोग अगर इसे लेते हैं तो देखिएगा, वैसे देखिएगा बेसिकली दो फॉर्म तो आपको याद होते हैं, दो फॉर्मेट आप लोग याद रखते हैं, मगर यहाँ हम लोग एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं एफ एम एन सी, यानी कि नाउन जो जेंडर होते हैं, यानी कि हम लोग जब भी इनको जैसे प्रोनाउन इत्यादि यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमें मालूम होना चाहिए कि कहाँ हम लोग ही करें, कहाँ शी यूज करें, कहाँ हम लोग इट यूज करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं गाइज, सो दैट हम लोगों ने इसको एक फॉर्मेट बना दिया कि नाउन के जो है उसमें नाउन को चार जेंडर, यानी कि नाउन जेंडर कितने हो गए? चार हमने माने हैं। यहाँ पर चार में सबसे पहला जो आपको दिखाई दे रहा है एम, दूसरा एम। एम से आप फीमेल याद रख सकते हैं, इजी प्रोसेस होगा गाइज, और लर्न करने में भी और सोल्व करने में भी आसानी होगी। वैसे हम लोग इसको एम से फेमिनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज? फेमिनाइन के रूप में लेंगे। किसके रूप में लेंगे? फेमिनाइन के रूप में हम इसको लेने वाले हैं, फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, एफ से फेमिनाइन बन रहा है, एफ से, एम से मेल होता है, वैसे मस्कुलाइन, मस्कुलाइन जेंडर के रूप में से हम लोग पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, तो दो फॉर्मेट आपको तैयार हो गए, एफ से फीमेल यानी कि फेमिनाइन जेंडर, एम से मेल यानी कि मस्कुलाइन जेंडर। किंतु गाइस यहां तक ही हमारा टॉपिक एंड नहीं होता। द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर यू दैट यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज द राइट मीन ऑफ द फेमिनाइन जेंडर एंड द मस्कुलाइन जेंडर्स। ओके, ऑलवेज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली वन वन थिंग्स दैट एफ इंडिकेट टू द फीमेल एंड एम इंडिकेट टू द मेल, बट वॉट आर द अदर थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व इन द मस्कुलाइन जेंडर एंड द फेमिनाइन जेंडर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गाइज। ओके, सो दैट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले फेमिनाइन, एक छोटी सी बात है, उसे याद रखने वाली बात है, ये वाली बात आप लोग जरूर याद रखें, चांद, तारे, फूल, शबनम, ये चार चीजें याद रखिएगा। यानी कि जो चीजें किसको दर्शाती हैं, किसको इंडिकेट करें? सॉफ्ट, टेंडर, ब्यूटी या फर्टिलिटी, याद रह जाएगा गाइज, ये हमेशा किसका किस में आएंगी? फेमिनाइन जेंडर में आएंगी, ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है। तो इजी प्रोसेस है टू लर्न कि हमारा फेमिनाइन जेंडर में कौन कौन सी चीजें रहने वाली हैं, सो दैट इट विल बी द इजी इफ यू लर्न दिस फॉर्मूला, चांद, तारे, फूल, शबनम, इट मीन्स इट इंडिकेट टू द सॉफ्ट, टेंडर, ब्यूटी एंड फर्टिलिटी, यानी कि दुनिया की वो तमाम चीजें जो किसको इंडिकेट कर रही है, सुंदरता को इंडिकेट कर रही हैं, यूं कहें कोमलता को इंडिकेट कर रही है, नाजुकता को इंडिकेट कर रही है, प्रजनन क्षमता का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो जो नाउन होती हैं वो कौन से नाउन जेंडर का रूप ले लेती है? फेमिनाइन का ले लेती है। याद रह जाएगा ये आपको, बिल्कुल इजी है, और इजी वैसे आप लोग इसे याद कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहां पर फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखिएगा, गर्ल, क्वीन, बीच, स्प्रिंग, नेचर, ये सारी की सारी चीजें किसका है? यानी कि जो भी चीजें होंगी वो किस में चली जाएंगी? नाजुकता, कोमलता, सुंदरता या प्रजनन क्षमता से रिलेटेड जो भी डाउट होगी वो कौन से जेंडर में चली जाएंगी? फेमिनाइन जेंडर में। अब जहां हमने सॉफ्ट की बात कर ली, एम मस्कुलाइन जो होता है ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें हम लोग इसमें जो भावनाएं झलकती हैं वो एक तो स्ट्रेंथ, पावर, वायलेंस, ठीक है गाइज, हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं स्ट्रेंथ, पावर, वायलेंस की बात कर सकते हैं, एक विगर और होता है उसके भी हम लोग चर्चाएं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब दुनिया की वो तमाम चीजें जिसमें ताकत का प्रयोग, बल का प्रयोग,
उत्साह का प्रयोग इत्यादि झलके तो वहां पर हम लोग उसे मस्कुलाइन जेंडर में लेंगे। जैसे देखेगा थंटर, थंटर किसका तूफान है, थंटर जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, जब आता है तो विनाश की स्थिति पैदा कर देता है, तो ये थंटर किस में चला जाएगा, ये जैसे मैंने कहा ना ताकत हुआ, हिंसा हुआ, उग्रता हुआ, इन चीजों को इंडिकेट करेगा, वो मस्कुलाइन में रहेगा। थंटर के अलावा हम लोग स्टॉर्म की बात कर सकते हैं, तूफान जो होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे बॉय तो रहेगा, किंग रहेगा, ये आपको एजीवी से याद हो जाएंगे। अब इनमें भी बहुत सारी चीजें जिनके बारे में डिस्कस करें, क्योंकि इतना आसान नहीं कि आप लोगों को तुरंत जेंडर याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, सो दैट आपको आसानी रहेगी समझने में कि किस किस तरीके से होगा। तो थंटर हुआ, स्टॉर्म हुआ, बॉय हुआ, किंग हुआ, ठीक है। ये जो सारे के सारे किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गाइज, सन हुआ, ये मस्कुलाइन जेंडर में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि स्त्री जो है वो सिर्फ फेमिनाइन जेंडर में है और पुरुष जो है वो मस्कुलाइन जेंडर में, ऐसा नहीं है। स्त्री जाति का मतलब यानी कि स्त्री का बोध करवाए, और स्त्री जाति जो इंडिकेट करेगी वो किसको करेगी, सॉफ्ट, टेंडर, ब्यूटी एंड फर्टिलिटी। एंड मस्कुलाइन की बात करें तो वो किसको इंडिकेट करेगा, मस्कुलाइन यानी कि मेल जो इंडिकेट करेगा वो मस्कुलाइन इंडिकेट करेगा स्ट्रेंथ, पावर, वर्लेंस, विगर एक्सेट्रा, राइट। तो अब ये वाला माइंड में अब सेट होने के बाद आपको इजी प्रोसेस हो जाएगा कि ये वाला फेमिनाइन रहने वाला है और ये वाला जो है ये मस्कुलाइन रहने वाला है, राइट गाइज। जहां तक दो फॉर्मेट आपको समझ में आ गए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं हम गाइज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, देखिएगा यहां पर बात करते हैं तो लास्ट में देखिएगा लिखा हुआ है सी। मैं एक बार फॉर्मूला दोबारा से लिख देता हूं, यहां पर थोड़ा सा हम लोगों ने इस तरह से कट्टा पेटी कर लिया, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एफ था और ये एम था और ये एन और ये सी, ठीक है गाइज। F आपको समझ में आ गया, M आपको समझ में आ गया, सबसे पहले हम C को देखते हैं, उसके लास्ट में न्यू को देखेंगे, ठीक है। C से हम लोगों ने यहां लेते हैं कॉमन, कॉमन जेंडर। अब आप सोचेंगे कि मैंने N को छोड़कर के डायरेक्ट F और M को क्यों लिया, क्योंकि F M का डायरेक्ट कनेक्शन C से हो रहा है। कई बार ऐसा होता है जिससे हमें ये प्रेजेंट नहीं होता कि वह ही है या शी है, अर्थात वह स्त्रीलिंग को का बोध करवा रहा है या पुलिंग का करवा रहा है। ऐसी कंडीशन में हम जिस जेंडर का यूज करते हैं वो कॉमन जेंडर कहलाता है गाइज, टू बी सिंपल। अब देखेगा हम लोग इसके बेस्ट एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी आप स्टूडेंट्स हो, आप यू आर प्रेजेंट इन द क्लास, ओके, एंड योर लेक्चर इज गोइंग ऑन प्रोग्रेस, ओके। एट दैट मोमेंट सडनली यू वॉन्ट टू गो आउटसाइड और समबडी आस्क यू टू गो देयर, योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। सो पेरेंट्स, आपको किसी ने आकर के इन्फॉर्म किया कि आपके पेरेंट्स आपका वेट कर रहे हैं, ओके। पेरेंट्स, पेरेंट यहाँ पर पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स में माता पिता आते हैं। अब पेरेंट्स से हमें पता नहीं चला कि हमारे मदर आए हैं या फादर आए हैं, यू नो। अगर कोई कहेगी आपके गार्जियंस बाहर वेट कर रहे हैं, आपको थोड़ी पता है कि गार्जियंस कौन है। गार्जियंस कोई भी हो सकता है, हमारा चाचा भी हो सकता है, चाची भी हो सकती है, ताई ताऊ कोई भी हो सकता है, बड़े भैया हो सकते हैं, बड़ी भाभी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ए टू जेड, व्हाट एवर। तो कहने का मतलब यहाँ पर गार्जियंस से हमें पता नहीं लग रहा। अभी गाय जैसे अभी आप लोगों ने कॉल किया, आपने मुझे कॉल किया अभी, और आपके किसी कोई पास में कैंडिडेट ने पूछा कि किसका किससे बात हो रही है, आपने कहा टीचर से, तो टीचर से इंडिकेट नहीं हुआ कि मेल है या फीमेल है। मुझसे किसी ने पूछा किससे बात हो रही है, मैंने कहा स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट से पता नहीं लगा कि गर्ल है या बॉय। अगर मैंने कहा, अगर मैंने डायरेक्टली बॉय या गर्ल बोला है, तो एट दैट मोमेंट इट्स डायरेक्टली इंडिकेट टू द पर्टिक्युलर जेंडर, राइट, दैट मे बी मस्कुलाइन और फेमिनाइन। बट नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट, अबाउट द टीचर, अबाउट द डॉक्टर, अबाउट द ड्राइवर, अबाउट द प्रिंसिपल। सो यहां पर हमें पता नहीं होता, प्रिंसिपल प्रिंसिपल लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, दैट्स वाई ये जो पार्ट होगा वो किसका होगा, कॉमन जेंडर का। अब आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल इजी वे से। तो यहां पर हम लोग किस कॉमन जेंडर में किसको ले सकते हैं, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, ड्राइवर, प्रिंसिपल, पेरेंट्स, ये सारे के सारे किस में चले जाएंगे गाइस, इजी वे है, कॉमन जेंडर का हिस्सा बन जाएंगे। अब ये वाला बहुत, इसलिए मैंने आपको लिखा है, हम लोग चाहते तो एफ और एम दोनों को ही समझ के काम चला सकते थे, बट हमें काम नहीं चलाना है। वी हैव टू, इफ वी वॉन्ट टू क्रैक द एग्जामिनेशन दैट वी हैव टू डू स्टडी ऑल द मैटर्स थ्रोली, ओके, यू नो गाइज, एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो सक्सेस होता है उसका शॉर्टकट नहीं चलने वाला है। सक्सेस के लिए तो एक एक चीज का स्टडी बहुत जरूरी है, राइट।
एन से, एन अपन लोग बोलते हैं ना, अरे यार इस आदमी को लेकर के क्यों चल रहे हो, ये तो न्यूट्रल है, कोई काम का तो है नहीं। तो न्यूट्रल हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं, न्यूट्रल वर्ड यूज करते हैं, तो न्यूट्रियल यूज करना, हमें न्यूट्रियल यूज करना है। न्यूट्रल का मतलब यहां पर हम लोग डायरेक्टली अगर इंडिकेट करें तो आप लोग याद रखने के लिए कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। स्पेस लिए किसके लिए यूज होगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, न्यूट्रल जेंडर, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। नो, एन का मतलब नो नहीं है, क्या नहीं है, जान नहीं है। जैसे हम लोग इसमें ले सकते हैं ट्री हुआ, ग्रास हुआ, पेन हुआ, पेपर हुआ, फैन हुआ, इटीसी जो होंगे ये हमारे न्यूट्रल जेंडर का हिस्सा बन जाएंगे, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि काफी बार आप लोगों को कंफ्यूज होता है कि हम लोग इट का किसके साथ प्रयोग करना है, किसका नहीं करना। सो दैट अभी आप लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन चल रहा होगा कि ट्री जो हुआ, जो पेड़ है, वो तो लिविंग थिंग्स में माना जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रिसर्च, और जो साइंटिफिक जो कहता है, और अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक लैंग्वेज, ट्री इज द लिविंग थिंग्स। ओके, एम आई राइट एंड आई एम एग्रीड विद यू गाइज। बट यहां पर जो दिक्कत है वो ये है कि जो लिटरेचर है वो ये अपना अलग से लॉजिक देता है, और लिटरेचर जो है हमारा इंग्लिश लिटरेचर, ये कहता है कि जो ट्री होता है वो मूव नहीं करता है, वो एक ही जगह रहता है, स्टेबल रहता है। दैट्स वाई वी टेक इट इन द पार्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज होने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। ये मूविंग नहीं करता है, और मूविंग नहीं करने की वजह से हम लोगों ने इसको कौन से पार्ट में रखा है, इसको कौन से पार्ट में रखा है गाइज, नॉन लिविंग थिंग्स में, राइट। तो हमने पढ़ा एफ एम एन सी, एफ से फेमिनाइन जेंडर, एम से मस्कुलाइन जेंडर हमारा बना, एन से न्यूट्रल जेंडर बना, और सी से कॉमन। एफ से मैंने बताया कि चांद तारे फूल शबनम, इनकी दुनिया की वो तमाम चीजें जो सुंदरता, कोमलता या फिर प्रजनन क्षमता को इंगित करती हैं, फेमिनाइन जेंडर में रहने वाली हैं, ठीक है। सॉफ्ट टेंडर फर्टिलिटी हम लोगों ने देखा, ब्यूटी, ओके। और मस्कुलाइन इसका जस्ट अपोजिट कर देना है, और जस्ट अपोजिट करना है तो जो कठोरता को दर्शा रही है, इनकी स्ट्रेंथ को दर्शा रही है, पावर को दर्शा रही है, विगर पे वायलेंस को, इनकी उग्र चीजों को, हिंसा को, ताकत बल के प्रयोग को दर्शाएंगी, उसमें हम लोग जो प्रयोग करने वाले हैं वो हमारा कौन सा हो जाएगा, मस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा। मैंने सी बताया, जैसे जिससे पता नहीं चले कि वो मेल है कि फीमेल, लाइक हमने कहा टीचर, लाइक स्टूडेंट हुआ, डॉक्टर हुआ, या फिर हम लोग बात करें पेरेंट्स हुए, गार्जियंस हुआ, ड्राइवर हुआ, प्रिंसिपल एटसेट्रा, ये कोई भी हो सकता है। दैट्स वाई यहां पर हम लोगों ने इसको कॉमन जेंडर में लिया, और एन से न्यूट्रल जेंडर, नॉन लिविंग थिंग्स जो इंडिकेट करेंगे क्योंकि इसमें नहीं न्यूट्रल जेंडर। अब बात करते हैं कुछ जो जेंडर है उनको लेकर के चर्चाएं करते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि जेंडर में किस किस तरह से होता है, किसका क्या बनता है, कौन सा फेमिनाइन का कौन सा मैस्कुलाइन बनेगा, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं गाइस, राइट। देखिएगा यहां पर हम लोग देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आपको ये बहुत लर्न करने की आवश्यकता होगी, सो दैट आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहेगा, और याद करना तो जरूरी ही पड़े, याद करना तो आवश्यक है ये। देखिएगा यहाँ पे जैसे हमने एक्टर, यहाँ पे हमने मेल ले लिया है, यहाँ पे हमने फीमेल ले लिया, एम इंडिकेट करता है मस्कुलाइन को, एफ करता है फेमिनाइन को, यानी कि मेल और फीमेल से हमने इंडिकेट कर दिया। जैसे एक्टर का बिल्कुल ईजी है, एक्ट्रेस होता है, इसके हम रूल भी बताएंगे कि किस तरीके से चेंज होता है, बट डायरेक्टली भी आप याद कर सकते, इतना ज्यादा टफ वाला ये है नहीं, ठीक है। ऑथर, ऑथर जो होता है उसका हम लोग ऑथरेस कर देते हैं, ठीक है, यानी कि एक्टर अभिनेता तो अभिनेत्री, ठीक है। और वैसे अकेला जो वर्ड होता है इसको यूनिसेक्स वर्ड भी माना जाता है, जैसे मेल या फीमेल कोई भी आर्टिस्ट होता है उसके लिए हम लोग एक्टर भी यूज करते हैं, बोथ के लिए, ये भी ध्यान रखना, यूनिसेक्स वर्ड होते हैं कुछ जो यू कहें कि कॉमन वर्ड होते हैं, क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है, कलाकार होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, राइट। सो दैट इस तरह से, अदरवाइज हम लोग इस तरह से फॉर्मेट यूज करेंगे, राइट। जैसे एक्टर का एक्ट्रेस, उसी तरह ऑथर, ऑथर का ऑथरेस, लेखक लेखिका, चेयरमैन का, वैसे चेयरमैन इत्यादि का होता कम ही है, रेयर केसेज होते हैं, मगर इसको चेयरपर्सन कर सकते हैं, राइट। पीकॉक, पीकॉक का हम लोग ने क्या कर दिया, पी हैन, पी हमें रखना है, कोक का वैसे हैन होता है, कोक का क्या होता है, हैन होता है, और ये पीकॉक होगा तो पी हैन कर दिया, ठीक है। ट्यूटर, ट्यूटर का ट्यूट्रेस होता है, वैसे गवर्नेस भी हम लोग यूज करते हैं, राइट गाइस। और डॉग, डॉग का तो पता ही है, डॉग का बिच्छू होता है, राइट। कुछ और देख लेते हैं, दो चार एग्जाम्पल, या फिर कुछ दो चार जेंडर और देख लेते हैं। ये एम से आपको पता ही इंडिकेट कर रखा है, और एफ से आपको पता ही इंडिकेट कर रखा है, एम से मस्कुलाइन, एफ से फेमिनाइन। तो देखिएगा जैसे हॉर्स, आप सब जानते हैं हॉर्स का मतलब घोड़ा, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, मेयर कर दिया, घोड़ा घोड़ी, आपको इतना ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ पे हम लोग स्त्रीलिंग और पुलिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, राइट गाइज। तो डेफिनेटली ये वर्ड हमें याद तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि जब एरर टाइप के क्वेश्चन आएंगे या अदर भी कोई क्वेश्चन होता है, सो दैट जब तक हमें कन्फर्म मालूम नहीं होगा, डेफिनेटली वहां बड़ी प्रॉब्लम आती है, ओके। विडोवर का क्या हो जाएगा, विडो हो जाएगा,
राम जो है इसका क्या हो जाएगा, इव, ठीक है, राम यू नेफ्यू का क्या हो जाएगा, निसा। ये कॉमन वर्ड है जो हम लोग लेते हैं, ठीक है। जैसे नेफ्यू होता है, नेफ्यू का मतलब क्या होता है, भतीजा होता है, तो निस का भतीजी, ये नेफ्यू को भांजे के रूप में भी लेते हैं, तो निस भांजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉमन वर्ड है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ज्यादा टफ नहीं है, कि आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, और डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी ही लर्न हो जाएंगे, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो वाले वर्ड होते हैं ज्यादातर कॉमन होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड सेट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी इजी टू लर्न ऑल दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, एंड इट दीज वर्ड्स ऑल्सो हेल्पफुल टू इनहेंस योर वोकल पावर, यू नो गाइज, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट क्रैक द SSC और बैंक एग्जामिनेशन, दैट द वोकअप इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। एंड इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग वोकअप दैट टाइम इट विल बी इजी टू क्रैक द एग्जामिनेशन। सो गाइज, वोकअप तो हमें तैयार करना ही पड़ेगा, और ये भी एक तरह से हम लोग वोकअप का पार्ट ही मान सकते हैं, एक एक दो दो मीनिंग से ही हमारा वोकअप भी तैयार होता है। तो जेंडर वाला पार्ट हम लोगों ने देखे, फादर इन लॉ मदर इन लॉ हो जाएगा, जैसे ब्रदर अकेला फादर आया तो हम लोगों ने मदर कर दिया, मगर इन लॉ लगा हुआ तो आगे उसके साथ भी हम लोगों ने इन लॉ लगा दिया, जैसे सिस्टर का क्या हुआ, ब्रदर हुआ, तो सिस्टर के साथ में अगर इन लॉ लगा हुआ है, सिस्टर इन लॉ है, तो सिस्टर क्या हो गई, फेमिनाइन जेंडर में होगी, तो मैस्कुलाइन अपन ने ब्रदर कर दिया, मगर इसके साथ इन लॉ लगा हुआ तो अदर इधर भी हम लोग इन लॉ लगा देंगे, राइट। तो जेंडर का छोटा सा पार्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब जो हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो पार्ट आ रहा है, वो आ रहा है कि हम लोग इसमें जैसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं और जो बहुत ज्यादा काम में आता है, वो है हमारा नाउन नंबर्स, सिंगुलर प्लूरल। अब ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कौन सा सिंगुलर रहेगा और कौन सा प्लूरल रहेगा। देखिएगा, ये वाला पार्ट आप याद कर लेंगे तो डेफिनेटली जो हम लोग वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं या फिर कोई सेंटेंस क्रिएट करेंगे, तो एट दैट मोमेंट हम लोगों को जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमें चूज करना होगा, उसमें बहुत सारी आसानी मिलेगी। तो कैस कौन सी नाउन, कि यानी कि हम लोगों ने दो भागों में बांटेंगे इसको, एक तो सिंगुलर और एक प्लूरल, दो ही फॉर्मेट होंगे, बट फिर कहानी शुरू होती है, और वो जो कहानी होती है उसमें बहुत सारी नाउन ऐसी होती हैं जो ऑलवेज कीप इन द सिंगुलर फॉर्मेट, कुछ नाउन ऐसे होते हैं ऑलवेज कीप इन द प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखती सिंगुलर हैं होती प्लूरल है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखती प्लूरल हैं होती सिंगुलर हैं, कुछ वर्ड ऐसे, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हम अगर प्लूरल बना नहीं सकते, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा डबल साइडेड होते हैं, प्लूरल फॉर्मेट में रहती हैं, कुछ प्रॉपर नाउन कुछ ऐसी होंगी जिन आयन के प्रॉपर नाउन ऐसी होंगी जो दिखने में प्लूरल भी प्रतीत होंगी मगर हमेशा हम लोग सिंगुलर फॉर्मेट में रखने वाले हैं, कुछ अनकाउंटेबल नाउन होंगी, कुछ किस तरह के नाउन होंगे, या फिर बात करें कि कुछ नाउन ऐसे भी होंगे जिनमें हम लोग ऐसे आईएस नहीं लगा सकते क्योंकि उनका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें तो देखो, एयर होता है AIR, और इसका अगर हम लोग एस लगाएंगे तो अर्थ ही बदल जाएगा, एयर का मतलब हवा, मगर एस का मतलब इगोइस्ट हो गया, शो वी हो गया, शो ऑफ यानी कि दिखावटी हो गया, घमंडी हो गया, तो अर्थ बदल गया। जैसे वाटर है, पानी है, अगर इसके आपने वोटर्स कर दिया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी क्योंकि वाटर का मतलब पानी और वोटर्स का मतलब समुद्र हो गया, तो हम लोग किस तरह से इसका प्लूरल नहीं बनेगा एस लगाते। देखो, फोर्स, फोर्स का मतलब बल होता है, मगर फोर्सेज, एस लगाते सेनाएं हो गई, फोर्सेज, फोर्सेज बोलते हैं ना हमारी फोर्सेज जो है, तो डेफिनेटली बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हम लोग जो ही एस लगाने की कोशिश करेंगे तो उनका अर्थ ही बदल जाएगा। तो गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, आप लोग उसके एक एक पॉइंट को बिल्कुल भी ना छोड़ें, वो हम लोग नेक्स्ट कड़ी में वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।